तो हेलो नमस्कार, राम राम मेरे दोस्तों। मेरा नाम है नितेश एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम। ये पहली बार है कि मैं किसी भी ओपन माइक या किसी भी शो पे आकर अपना क्या कहते हैं अपनी कोई कविता सुनाने वाला हूँ। तो और कविता मतलब कि 1-1.5 साल पहले लिखी थी कुछ मैंने, कुछ ब्रोकन हार्ट के ऊपर है। तो कविता जो मतलब थोड़ा सा से स्टार्ट करते हैं तो वही है जो 4 चीज़ें होती हैं, मिलते हैं किसी से या फिर जब बिछड़ जाते हैं तो फिर वो अलग होता है, जब भी कभी मिलने जाते हैं तो क्या होता है, तो उसी तरीके का है। तो स्टार्ट करता हूँ कि तू बदतमीज़ तू बेहया, कि तू बदतमीज़ तू बेहया, दिल तोड़ के था तू गया, ये दर्द दिल तुझे क्या पता, तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा। तो अगला बंद इस तरीके से है कि आँखों के सारे मोती सूख गए, वो सपने सारे टूट गए, कि आँखों के सारे मोती सूख गए, वो सपने सारे टूट गए, जो हाथ कभी हाथों में थे मंजिल मिलने से पहले छूट गए, कि आँखों के सारे मोती सूख गए, वो सपने सारे टूट गए, जो हाथ कभी हाथों में थे मंजिल मिलने से पहले छूट गए। अब कुछ ना कहे तू चुप ही रह, कि अब कुछ ना कहे तू चुप ही रह, मैं कुछ ना सुनूंगा तेरा कहा, कि अब कुछ ना कहे तू चुप ही रह, मैं कुछ ना सुनूंगा तेरा कहा, मेरे पास ना तू भाड़ में जा, मुझे फ़र्क नहीं तू कहीं भी जा, मुझे फ़र्क नहीं तू कहीं भी जा, क्या सही से सुन लिया जो तुझे मैंने कहा, क्या सही से सुन लिया जो तुझे मैंने कहा, तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा। और अगला बंद इस तरीके से है कि जब भी आप किसी से मतलब मिलते हो तो उस वक्त क्या मतलब पहली बार मिलते हो तो वो वाला जो जो भी फील होता है और जो बातचीत होती है तो वाला है कि वो मौसम था अलबेला सा, कि वो मौसम था अलबेला सा, जब मुझको तुझसे प्यार हुआ था पहला पहला सा, उस कहानी में मैं खुद को मजनू समझता था और तुझको लैला सा, फिर छोड़ गई तू मुझको उसमें कहीं अकेला सा, उस रास्ते पे कहीं अकेला सा, क्यों इतने दर्द दिए बेदर्दी से, क्यों क्यों इतने दर्द दिए बेदर्दी से, मैं तो हर काम किया करता था तेरी मर्जी से, और वो जो बड़े बड़े तू कस्में वादे करती थी, और वो जो तू बड़े बड़े कस्में वादे करती थी, वो सारे बड़े बड़े कस्में वादे झूठे थे, वो सारे कस्में वादे झूठे थे, क्यों तुझको खुदा का न ज़रा भी खौफ रहा, क्यों तुझको खुदा का न ज़रा भी खौफ रहा, मैं तो तेरे कदमों में रखता था सारा जहां, अब तू सोच भी मत ना वापस आ, कि अब तू सोच भी मत ना वापस आ, तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा। और आखिरी बंद कुछ इस तरीके से है कि जब भी आप लोग हर बार मिलते होगे या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी होती है तो किस तरीके से वो सारी बातें होती, तो इस तरीके से है कि तू मुझसे कितना सरमाया करती थी, कि तू मुझसे कितना सरमाया करती थी, मेरे ना मिलने पर कितना घबराया करती थी, मैं दूर नहीं रह सकती तुमसे, मैं दूर नहीं रह सकती तुमसे, ये बात मुझे समझाया करती थी, वादे वादे वो मुझसे मांगा करती थी कि मुझे कभी छोड़कर मत जाना तुम, कि वादे वो मुझसे मांगा करती थी कि कभी मुझे छोड़कर मत जाना तुम, और अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि कभी लौटकर वापस मत आना तुम, कि कभी लौटकर वापस मत आना तुम, कि जब जो कुछ भी था जैसा भी था, कि जब जो कुछ भी था जैसा भी था, अब कुछ भी वैसा न रहा, अब कुछ भी वैसा न रहा, जितना जल्दी हो सकता है तू मेरे आगे से हो जा दफा, तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा। ये पोइट्री तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और एक मैं वो और सुना देता हूँ कि मतलब एक ऐसी शेर सुनाना चाहूँगा, वैसे मैं 2 शेर सुनाऊँ, मतलब एक शेर सुना देता हूँ। चलो आपको मैंने ज़िंदगी में सबसे पहले कोई सी शायरी लिखी थी, 2 लाइन एक लिखी थी कि कितने भी दर्द या कोई मुश्किल हो, कि कितने भी दर्द या कोई मुश्किल हो तो बस एक बार ये आज़मा के देखना, कि कितने भी दर्द या कोई मुश्किल हो बस एक बार ये आज़मा के देखना, तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा, मुझे बुला के देखना। और इसके अलावा बाकी एक, क्योंकि राइटर मतलब जितने भी लोग लिखते हैं और जो नहीं लिखते वो भी रिलेट करेंगे, लेकिन जो लिखते हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं इसमें, कि एक 2 लाइन और हैं कि इस तरीके से कि मैंने कई गज़ल कविता लिखी हैं, कि मैंने कई गज़ल कविता लिखी हैं और मैं गाने भी लिख सकता हूँ, कि मैंने कई गज़ल कविता लिखी हैं और मैं गाने भी लिख सकता हूँ, तू मुझसे बेवफाई करने से डर, मैं तुझ पे ताने भी लिख सकता हूँ। तो राम राम, शुक्रिया उसने का।